तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अमेजिंग ब्लॉग। यार आज मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहता, लेकिन यार आज हवा बहुत तेज है, बहुत ज्यादा ही तेज है यार। बड़ी दिक्कत हो रही है आज पतंग उड़ाने में, लेकिन आज मैं उड़ाऊंगा नहीं। देखते हैं, अगर मौका मिलेगा तो उड़ा लेंगे, अगर हवा धीरे हुई तो। आज पतंग भी नहीं उड़ रही है, इसलिए थोड़ा मजे नहीं आ रहे, क्योंकि हवा तेज है और लोग बहुत कम उड़ाते हैं इस टाइम पे पतंग जब हवा तेज होती है। आज हमारा कहीं और का प्लान था, बट आज हम वो प्लान सक्सेसफुल नहीं रह पाया, हमारा किसी की नजर लग गई उसको। वो प्लान जो होगा वो हमारा कल होगा, तो हम आपको कल दिखाएंगे क्या प्लान था। तो यार आज की वीडियो में हम क्या करेंगे गाइस, ब्लॉग शुरू करने से पहले यार मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोगों का प्यार मुझे अपने सब्सक्राइबर्स में दिख रहा है। कल जब मैं लास्ट टाइम मैंने देखा था, मेरे 80 सब्सक्राइबर थे, 80 भी नहीं थे, 79 सब्सक्राइबर्स थे। और आज जब मैं सुबह उठा तो भाई वाकई बता रहा हूँ, आप मेरी देख सकते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स कितने हो गए हैं, 92 भाई, 13 बढ़ गए डायरेक्ट। भाई ये सब आपका प्यार है, तो इस प्यार के लिए थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियोस पसंद कर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है यार। तो मैं पूरी अपनी मेहनत करूंगा कि आपको मैं एंटरटेन कर सकूं। ओह माय गॉड, वाओ। तो गाइस ब्लॉगिंग शुरू करते हैं। यार मेरी ना ज्यादातर वीडियोस थोड़ी छत वत पे रहती हैं, तो यार मेरी ना जो मैं पतंग वतंग उड़ाता हूँ, तो यार ये पौधे वौधे थोड़े एंटिक टाइप से रखे हुए हैं, तो आज मैं इनको जरा सही करता हूँ पहले, वरना यार इनको बड़ा नुकसान रहता है, इनकी पत्ती वत्ती टूट जाती है, टहनी वहनी कट जाती है, तो पहले आज इनको सही करते हैं, ठीक है। फैले नहीं लग रहे हैं ये, अब थोड़ा सही लग रहा है ना। चलो तो फिर यार, हवा तो थोड़ी तेज है, लेकिन अब हम थोड़ा पतंग वतंग थोड़ी टेस्ट वेस्ट करते हैं कि कैसी हवा चल रही है। वैसे ये तो पता ही हमें कि तेज है, लेकिन देखते हैं थोड़ी खींच वींच मार के पतंग वतंग फटती है तो उसको चिपका के फिर छोड़ा लेंगे। चलो तो फिर भाई चेक करते हैं इसका। भाई लोगों ने क्या कर दिया इसका, कागज से चिपका रखा भाई ठड्डा, बताओ कांप चिपका रखे कागज से, इसके अंदर भी लकड़ी है। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो दिखेगी नहीं, इसके अंदर लकड़ी है भाई, मजे बांध रखे हैं भाई लोगों ने, खतरनाक लोग हैं हमारे देश में भाई। ऐसी ऐसी पतंगे उड़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई यार हम पतंग वतंग उड़ाते तो, लेकिन यार मम्मी थोड़ी आवाज लगा रही है, तो खाना वाना हमारा बन चुका है, क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है, लो 2 बजने वाले हैं। तो यार चलो खाना वाना खा के आते हैं, फिर उसके बाद पतंग वतंग उड़ाएंगे, मजे लेंगे। तो गाइज हमारा खाना रेडी है और हम खाना लेके जा रहे हैं अपनी जगह पे। चले तो मैं इतना खाना खा लूं, उसके बाद दिखाते हैं पतंगबाजी। तो गाइस हम पतंग बनाने की शुरुआत करते हैं, थोड़ा बोर हो रहे थे यार, तो पतंग तो है लेकिन पतंग बनाते हैं। अब हम कट लगा चुके हैं और इसको बिल्कुल सीधी तरीके से काटना है हमें, बिल्कुल सीधा। हमारे कैमरामैन का ट्यूशन का टाइम हो रहा है, तो यार हमें खुद बनाना पड़ेगा अब आगे। तो अब बिल्कुल सीधी कट चुका है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है अभी इसमें। ये कट चुका है और हमारी पतंग रेडी हो चुकी है। अब हमें इसमें बस थोड़ी सी, दोस्तों अब हमें सिर्फ इसमें थोड़ी सी टेपिंग करनी बाकी है, बाकी हमारी पतंग एकदम बेहतरीन बन चुकी है और मैं आपको उड़ा के दिखाऊंगा इसको।
कहाँ लग गई यार, गलत लग गई टेप। अब बिल्कुल टाइट कर दो और टेप को ऐसे करके यूं खींच लो, खींच के सेट कर दो, एकदम बेहतरीन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों एकदम बेहतरीन हो चुकी है पतंग, पतंग बन चुकी है, अब बस उड़ाना बाकी रह गया इसका। मैं सोच रहा हूँ यार इसमें कुछ डिजाइन मार दूं पतंग में, लेकिन अगर मैं इसमें डिजाइन करूंगा तो थोड़ी, देखिए अब पतंग बन चुकी है हमारी, अब हम इसमें कन्ने बांध के आपको बिल्कुल मंजे मंजे बांध के फिर दिखाते हैं। दोस्तों हम अपनी पतंग ला चुके हैं, अब हम इसको उड़ाने वाले हैं। यार इसके बार बार कन्ने कहे ठस हो जाते हैं। चलो दोस्तों लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल घूम गई है यार तार में, खींचने से भी नहीं आ सकती, खींचेगी तो भी नहीं आ सकती। अब यार मुझे तोड़ना पड़ेगा यार इसको, मैंने यार इसको तोड़ दिया है पतंग को फिलहाल, और वो नीचे गिर चुकी है, नीचे गिर गई चुकी हमारी। मैं बहुत खुश हूँ भाई, मेरी पतंग उड़ गई और अब हम इसको पार कर रहे हैं। अरे भाई बिल्कुल टीप पतंग है, बिल्कुल टीप, देखिए भाई बिल्कुल टीप पतंग है। अरे वाह क्या बात है, बिल्कुल टीप पतंग है, सद्दी हमारी आ चुकी है। मुझे इस पे बहुत भरोसा था यार मेरी पतंग उड़ेगी। दोस्तों हम दूध लेने चल चुके हैं, पतंगबाजी चल रही है भाई, पतंग आई है यहाँ पे, अब हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ये लुटेरे भाई पतंग लूट रहे हैं। चलिए हम आपको थोड़ा सा आगे करके फिर ऑन करते हैं वीडियो। दोस्तों शादी में आ गए हैं, दोस्तों शादी वाला माहौल चल रहा है, देखो बराबर में ये टेंट ही टेंट, तो भाई कूट रखी है भाई इन्होंने तो। दोस्तों इस टाइम 6 बज रहे हैं और यार पहले रात हो जाती थी और अब रात ही नहीं होके देती, कुछ होता है मेरे ख्याल से, दिन बड़ा दिन छोटा, वह भाई धीरे चला, ऐसा कुछ चलता है मेरे ख्याल से इनका दिनों का हिसाब बहुत ही, वरना तो शाम तो बहुत सही हो रही है इस टाइम, लेकिन अंधेरा नहीं हो रहा। दोस्तों हमने दूध का आधा रास्ता जो है कंप्लीट कर चुके हैं हम। दोस्तों आज बहुत क्राउड है यार रोड पे, बहुत जाम है फिलहाल। गाइस हम दूध लेने पहुंच चुके हैं, थोड़ी सी 10 मीटर का भी रास्ता नहीं रह गया और हम दूध की दुकान पर पहुंच चुके हैं, दूध की डेयरी पर, डेयरी। दोस्तों हम एक नई दुकान पर आए हैं, नई खुली है ये, खुली है नई सड़क पे, मेरठ में नई सड़क है, शास्त्री नगर नई सड़क। तो हम भैया से चीनी के भाव पूछने आए हैं। भैया चीनी के क्या रेट है? 40। अच्छा आज के रेट 40 हैं और जो कल आएगी वो 38 है। क्या रेट चल रहे हैं भाई, मजे बांध रखे हैं, नई दुकान कैड़े रेट।
तो गाइस हम दूध लेने दूध लेकर आ चुके हैं घर पर। और इस टाइम बहुत अंधेरा हो चुका है, जिस टाइम हम गए थे उस टाइम अंधेरा नहीं था, लेकिन इस टाइम बहुत अंधेरा हो चुका है। चलो भाई थोड़ी देर बैठते हैं। गाइस मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूँ, वो आपको थोड़ी सी अभी दिखेगी बिल्कुल जस्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय अमेजिंग व्लॉग्स, कैसे हैं आप सभी। और आज जैसे कि आप जानते हैं 27 जनवरी है और कल थी 26 जनवरी। तो यार हमारी जो है ना ये पतंग वतंग के ठंडे बंडे थोड़े टूट गए थे, तो हम उनको आज सही करेंगे। और तो गाइस आपके लिए मेरा प्यार है, बस मैं क्या कह सकता हूँ आपसे, थैंक यू सो मच। बस अब आज की वीडियो में इतना ही। तो भाई अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।